राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी हावी रही तो हॉस्पिटल में बेड दिलाने को लेकर कई ठगी की गई, लोगों के साथ हजारों लाखों के फ्रॉड हुए। ऐसे में दिल्ली पुलिस को कई मामलों में शिकायत दर्ज की गई। इसी के चलते अब दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन साइबर प्रहार शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत अब तक 372 FIR दर्ज किए जा चुके हैं और 91 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि 95 डिवाइस बरामद किए गए हैं। ज्वाइंट CP साइबर सेल प्रेमनाथ ने बताया कि विभिन्न राज्यों से फ्रॉड का ये गेम चल रहा था। टीम द्वारा उन राज्यों के DGP से संपर्क किया गया। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे फ्रॉड करने के मामले में 372 मामले दर्ज किए हैं, जिसके तहत 91 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वही इन फ्रॉड के दौरान इस्तेमाल की गई 95 डिवाइस को भी सीज कर दिया गया है। 900 नंबर ब्लॉक किए गए हैं। इतना ही नहीं, साइबर सेल के अफसरों का दावा है कि जांच के बाद टीम ने साइबर अपराधियों तक 7 लाख रुपए की रकम पहुंचने से भी रोक ली है। वही टीम द्वारा फ्रॉड करने वाले 900 नंबरों को ट्रेस करके ब्लॉक कर दिया गया है। ज्वाइंट CP साइबर सेल प्रेमनाथ ने बताया कि साइबर सेल ने इस तरह की जालसाजी को रोकने के लिए 20 टीमें तैयार की थी, जिसके बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है।